सो हेलो गाइस, केम छो? मजामां मैं हूं जनाबदे, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करें भाई टाटा पंच ईवी की, इसके अंदर आपको कितनी रेंज मिलेगी क्या। भाई टाटा का नए प्लेटफॉर्म एक्टिव प्लेटफॉर्म इसके अंदर यूज किया गया, तो कैसे वो सारी चीजें वो निकल के आती है। वीडियो एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने से देखे तो यहाँ पे अपने को भाई पूरी कनेक्टेड DRS मिलती है, और भाई मुझे नहीं पता चलता कि सारे लोग ना ये पट्टी जब लगा दे तब हुंडई को ही पकड़ते टाटा का। तू तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। उसका एक मेन रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो थिन लाइन होती है ना वो काफी अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। उन्होंने भी बहुत भाई एक ट्यूबलाइट लगा दे ना वैसे वाली फील आ गई, बट इसके अंदर वो चीज़ अपने को नहीं लगती। बाकी इसके अंदर बैटरी पैक की बात करें तो अपने को दो बैटरी पैक मिलेंगे, एक 25 किलोवाट का और एक 35 किलोवाट का। उसके हम पावर की बात करें तो आपको 80 BHP की पावर, और जो हम लॉन्ग रेंज जो बड़ी पावर बैक है उसमें अपने को लॉन्ग रेंज करके बोला जाता है टाटा में, उसके अंदर आपको भाई 120 BHP की पावर मिलता है और 190 Nm का टॉर्क मिलता है। जो लॉन्ग रेंज की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, एकदम आपको भाई फुल प्रूफ पावर के साथ ही गाड़ी मिल रही है। और इसकी हम 0 to 100 की भी बात करें तो 9.5 सेकंड में भाई 0 to 100 चढ़ जाती है, और हम छोटी बैटरी पैक की बात करें तो वहाँ पे अपने 13.5 सेकंड में जाती है, थोड़ा स्लो लगता है, बट हाँ अपने को भाई वहाँ पे देखिए तो प्राइसिंग भी उसकी हो कम निकल के आती है। बाकी यहाँ पे बीच में यहाँ पे अपने को चार्जिंग पोर्ट मिलता है। यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें, जो नॉर्मल अपने को घर में चार्ज करोगे तो भाई आपको इस लॉन्ग रेंज में आपको 13.5 घंटे लग जाएंगे, बट हम शॉर्ट रेंज की बात करें तो 9.5 घंटे लगने वाले हैं। बाकी यहाँ पे अपने को 360 व्यू कैमरा की प्लेसमेंट को की जाती है, और यहाँ पे हेडलाइट पे देखें तो जो नॉर्मली अपने को नेक्सॉन में आती है ना वैसी वाली ही अपने को हेडलाइट मिलती है। और नीचे फॉग लैंप पे बात करें तो फॉग लैंप भी काफ़ी अच्छा फीचर है कि आपको वार्निंग फंक्शन के साथ ये चीज़ मिलती है, तो आप घाट पे इसे चलाओगे तो आपको भाई रात में ऐसा कोई दिक्कत हो नहीं आने वाली। इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज़ भाई ज़्यादा मिल रहा है। जो अपने को नॉर्मल पेट्रोल पंच आती है वहाँ पे अपने को 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो 3 mm अपने को ज़्यादा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिले, और इंडिया में जितने भी ग्राउंड क्लियरेंस हो तो अच्छा ही बात है। और साइड से हम बात करें तो भाई यहाँ पे अपने को ब्लैक ORVM मिलते हैं, जो अपने को नेक्सॉन एरिया कुछ सभी में देखे तो वही सेम अपने को ORVM मिलते हैं, बट यहाँ पे अपने को एलोवीज पे देखें तो बहुत ही बेहतरीन एलोवीज मिलता है। यहाँ पे अपने को डायमंड कट एलोवीज मिलते हैं जहाँ पे आगे और पीछे दोनों तरफ अपने को डिस्प्ले मिलते हो। इसकी हमें सेक्शन की बात करें तो 195/60 16 इंच की यहाँ पे अपने को टायर मिलती है। भाई जो पहले हम नेक्सॉन में देखते थे कि यहाँ पे अपने को ऑरेंज कलर की वायर दिखती थी, बट वो एक्टिव प्लेटफॉर्म की वजह से अब वो चीज़ तो नहीं दिखती और काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे ऐसा भी फील नहीं होता कि जो बैटरी पैक हो एकदम नीचे आ रहा, यहाँ पे आपको प्रॉपर लगेगा नहीं भाई, एक आपको है सारी चीज़ें एक फिट एंड फिनिश में वो क्लियर की गई है। यहाँ पे अपने को बीच में यहाँ पे ब्लैक कलर का पार्ट मिलता है, तो ये जो कलर है वो अपने को नेक्सॉन ईवी में मिलता था वही सेम कलर यहाँ पे भी दिया जाता है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है एकदम। आप कहें ना ग्रे और वाइट कलर काफ़ी बेहतरीन एक मिक्सचर वो निकल के आता है। यहाँ पे अपने को .EV की वो बैजिंग की जाती है, आप कह सकते हो कि ज़्यादा कलर के साथ खेलने के ट्राई नहीं किया गया, जितना सिंपल हो सके वही चीज़ वो रखी गई। और इसकी हम लेंथ की बात करते 38-57 mm की लेंथ इसके अंदर मिलती है, जो भाई पेट्रोल 30 mm ज़्यादा है। हाइट की बात करें तो 1633 mm की यहाँ पे अपने को हाइट मिलती है, जो अपने को 8 mm ज़्यादा है फ्रॉम द पेट्रोल पंच। एंड यहाँ पे अपने को जो फ्रिक्वेंसी सेंसर वो C4 अपने ड्राइवर सर मिल गया, को ड्राइवर सर नहीं मिलता। एंड यहाँ पे अपने को रूम फेस हो गई, यहाँ पे अपने को सारे एलिमेंट जो वो सेम टू सेम जो पंच पेट्रोल आते हैं वैसा ही अपने को मिलता है। बाकी अब चलते पीछे पीछे क्या है एंड लुकिंग फ्रॉम दी बैक, तो पीछे से ज़्यादा कोई चीज़ें वो चेंज नहीं कर देगी, बट हाँ यहाँ पे अपने को जो रियर बम्पर वो काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम सिल्वर कलर की यहाँ पे इनसेट हो दिए जाते हैं। यहाँ पे अपने को दो पार्किंग सेंसर आएंगे, बीच में यहाँ पे अपने को पोर्शे की गाड़ी में हम देखते हैं ना वैसी वाले, यहाँ पे अपने को बैजिंग दी जाती है। थोड़ा सा कंपेरिजन बहुत बड़ा हो गया, बट हाँ लगता तो वैसा ही है। यहाँ पे अपने को टाटा का लोगो यहाँ पर भी देखो तो आपको कोई ज़्यादा क्रोम का है वो यूज़ वो नहीं किया गया, एंड काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा यूनिक से फील है वो दे देता है। यहाँ पे अपने को 360 व्यू का कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे अपने को रियर वाइपर डिफॉगर हाईलाइट स्टॉप लैम्प शार्किंग एंटीना वो सारी चीज़ें तो मिलती ही है। एंड हाँ यहाँ पे एक चीज़ है कि देखो यहाँ पे अपने को टाटा की बैजिंग मिलती है, काफ़ी बढ़िया लगता है ये चीज़। एंड हम इसके बूट स्पेस देखें तो 366 लीटर का यहाँ पे अपने को बूट स्पेस मिल जाता है, और ये बूट स्पेस में मेरी एक ही कंप्लेन है कि काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो यहाँ पे अपने को जो सामान है
पर ला के यहाँ पे नीचे रखना पड़ेगा और निकालते वक्त भी थोड़ा सा ज़्यादा अपने को फिर पुश करना पड़ेगा। और काफ़ी हद तक मतलब कि यहाँ पे कोई हेलमेट डाल दिया जाता है तो कोई चीज़ वो टैकल कर सकते हो और नीचे दूसरा सेक्शन होता तो हम हेरियर में देखें वो वाली चीज़ होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। एंड यहाँ पे अपने को नीचे की तरफ देखें तो पंचर रिपेयर किट अपने को ईवीएम में मिलती है और उधर से बात करें तो एकदम भाई प्रीमियम से टच लगेंगे। उसका मेन रीज़न है भाई इसकी जो सीट है वो चेंज कर दी, अपने को सेमिल रेयर अपने को सीट मिलती है वहाँ पे अपने को कि तो यहाँ पे कॉर्नर पे अपने को सॉरी फैब्रिक में देखो बीच पे यहाँ पे अपने को भाई लेदर में और ये जो सीट है वो नॉर्मल सीट नहीं है, अपने को भाई वेंटिलेटेड सीट यहाँ पे उपलब्ध की जाती है जो नॉर्मल पंच में नहीं आती। यहाँ पे अपने को जोल कहते हैं इसे, मतलब डायलॉग या कुछ भी कह लो बट टाटा इसे जोल कहती है। तो वहाँ पे अपने को देखे तो एक भाई बहुत ही प्यारा एनिमेशन लगता है कि भाई आप एक प्रीमियम गाड़ी हो चला रही है भाई, पहले तो इसे बंद कर दो सारे को। और हाँ यहाँ पे इनको मोड्स की बात है तो एक स्पोर्ट मोड, एक इको मोड, एक नॉर्मल मोड तो जो बाय डिफॉल्ट चलता ही रहेगा। एंड यहाँ पे अपने को टच स्क्रीन देखिए जो अपने को टाटा हैरियर नेक्सॉन हो गई वहाँ पे आपको को जो स्क्रीन आती है वैसे वाली यहाँ पे अपने को स्क्रीन है उपलब्ध होगी वायरलेस एप्पल कार पे एंड एंड्रॉइड टू इसके अंदर उपलब्ध होगा विद द यहाँ पे अपने को एमवी लाइटिंग आती है बट ऊपर नहीं आती। वो चीज़ आप पूछते हो कि भाई अब कंपनियाँ जो है नीचे फुट पे एमवी लाइटिंग देती बट ऊपर क्यों नहीं, तो देखो बहुत हद तक भाई इसके अंदर रिसर्च की जाती है, ऐसा ही नहीं कि भाई करोड़ जाके लगा दिया कपलर टू कपलर हाई परफॉर्मेंस डिस्प्ले या फिर ऐसी कोई चीज़ हो कंपनी नहीं सोचती। ये था कि यहाँ पे ऊपर लगाते थे तो आंखों में कई बार चुभती थी, अब रात में कंटिन्यूस चलाओ तो यहाँ पे जो लाइट हो वहाँ पे आपका ध्यान हो थोड़ा सा खिंचता है और उसके वजह से सर में दर्द होता है। तो उसके वजह से अब ऊपर कोई भी कंपनी देखो, हम क्रेटा में देखें तो क्रेटा में भी जो एमबी लाइट ऊपर आती वो निकाल दी, एकदम छोटी सी एकदम लो एंड वाली यहाँ पे वो लगाई गई क्रेटा में, आप मार्क कीजिएगा वो चीज़। और क्रेटा के वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे वीडियो की लिंक आ रही है वहाँ पे जाके देख लेना। यहाँ पे हमको फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, आप भाई नेक्सॉन में देखो वही वाला यहाँ पे अपने को स्पीडोमीटर मिलता है फुल्ली डिजिटल। और यहाँ पे अपने को जो मैप है वो भी आप यहाँ पे रन कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन वो चीज़ लगती है। और भाई ये जो अपने को टू स्कोप टाटा का जो स्टेयरिंग व्हील है उसका तो मज़ा ही कुछ और है भाई, ये जो आपको टच इन फील हो गया और एक गाड़ी के अंदर बैठे तो आपको एक फ्यूचरिस्टिक से फील वो आती है। और हाँ भाई ऊपर अपने को भाई छोटी सी सनरूफ मिल जाती है, आप इस गाड़ी की साइज़ देखें तो काफ़ी बढ़िया ही लगती है, आपको लगेगा भाई ये क्या है छोटा सनरूफ, बट अंदर गाड़ी की जो हिसाब से साइज़ है वो ठीक ही, आप उसमें ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। ऑटो डिमिंग आरवीएम हो गया, यहाँ पे अपने को जो है एसी कंट्रोल आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है बट आपको पूरा भाई एक टच पैनल मिलता है जो अपने को पंच पेट्रो में नहीं आता। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 12.5 लाख से लेकर 17.5 लाख तक इसकी ऑन रोड अहमदाबाद प्राइसिंग चाहती है। और मैं बैठा हुआ टॉप एंड लॉन्ग रेंज वाली ये गाड़ी है एंड आपको भाई पूरे वेरिएंट एक्सप्लेन करके आपको समझ में भी कौन कौन से वेरिएंट पे आपको लेना चाहिए नहीं तो वो वीडियो में बनाने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो तो मिलते ही रहते हैं। यहाँ पे हमको वायरलेस चार्जर हो गया, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो गया, एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट, एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट को उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ है, यहाँ पे हिल डिसेंट एंड हिल क्लाइम कंट्रोल वो उपलब्ध हो जाएगा। एंड हाँ यहाँ पे जो है आपको स्टेयरिंग व्हील देखते हैं तो ऊपर नीचे एंड यहाँ पे टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट तो नहीं आते। और टाटा की मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि भाई ये जो कंट्रोल है ना वो काफ़ी ज़्यादा भाई हार्ड एक ट्रक वाली फील आती है इसमें। एंड हाँ ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो तो काफ़ी बढ़िया है बट यहाँ पे एक चीज़ होती है कि भाई आप जैसे ऐसे आप गाड़ी चलाते हो तो हाथ कई बार टच हो जाते हैं, आप यूज्ड टू हो जाओगे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे भाई यहाँ पे हाथ ना टच हो वो वाली चीज़ें, बट आप नॉर्मली गाड़ी में बैठोगे कोई नया बंदा बैठेगा उससे तो ये बटन काफ़ी हद तक दब ही जाता है। एंड ऐसे तो यहाँ पे इसका हॉर्न वो निकल के आता है। एंड यहाँ पे अपने को पुश स्टॉप बटन हो गया, यहाँ पे अपने को जो ड्राइवर साइड की विंडो ऑफ ऑटो डाउन एंड ऑटो अप के साथ मिलते हैं। यहाँ पे अपने को ईसी वेन के सराउंड एरिए तो आपको पूरा क्रोम की वो फिनिशिंग वो दी जाती है। एंड अब दूसरी क्या बात है, हाँ यहाँ पे अपने को आमरेश मिलता है जो अपने को पंच में मिलता है, जो अपने को सीएनजी लॉन्च होती है उसके बाद से अपने को है यहाँ पे आमरेश तो मिलना स्टार्ट हो ही गया था बट उतना कुछ खास अपने को स्पेस नहीं मिलता। शायद 13 मॉडल्स या फिर आप कहे कि छोटे मोटे फ़ोन आएंगे, बाकी प्रो मैक्स शायद ना पाए, बाकी आने के लिए शायद आया भी जाए क्योंकि मैंने रख के देखा नहीं, बट हाँ
देखते हैं भाई, इतना तो आ जाएगा अपना कोई भी फ़ोन हो, एक दो फ़ोन तो आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे टाटा की ग्लव बॉक्स तो क्या ही कहने भाई, भर भर के यहाँ पे अपने को स्पेस मिलता है। और ये जो सीट की क्वालिटी भी देखे ना तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के थे। और हाँ भाई, इसके हम चार्जर्स देखें तो आपको 7.2 किलोवाट का यहाँ पे अपने को फास्ट चार्जर, इसी फास्ट चार्जर मिलेगा, जो भाई एक स्मॉल रेंज वाली जो बैटरी भी है उसे चार्ज करने में 3.4 आवर लगाएंगे, और अपने को जो है भाई लॉन्ग रेंज वाली है वहाँ पे अपने को 5 घंटे लगाएगा। और आपको डीसी चार्जर में ना दोनों 56 मिनट में वो पूरी चार्ज हो जाएगी, पूरी मतलब कि 10% से 100% तक भाई 56 मिनट में चार्ज हो जाएगी। और ये मतलब मेरे आगे बता रहा था बट मैंने सोचा कि भाई पूरा बताऊंगा तो एकदम भाई मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ ना वैसी वाली फील आएगी। तो मैं चाहता नहीं कि मेरे वीडियोज़ में भाई कि एकदम मैं बोलता रहूँ और लोग जो है एकदम बोर होते चले, थोड़ा सा धीरे धीरे से थोड़ा सा एंटरटेन वे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करता हूँ। बाकी अब देखते हैं पीछे पीछे क्या क्या चीज़ें हैं। और भाई इसके जो डोर है पूरे के पूरे 90 डिग्री में खुल जाते, तो भाई आपके घर में कोई बड़े बूढ़े होंगे उनको चढ़ना और उतरना बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाएगा। एंड बीच में यहाँ पे अपने को ब्रश मिलता है, बट यहाँ पे कोई कप होल्डर या फिर फ़ोन रखने की जगह नहीं मिलता। आप यहाँ पे अपने को मैगजीन होल्डर मिले, वहाँ पे आप सारे अपने फ़ोन बोर्ड रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। यहाँ पे अपने को जो सेंटर कंसोल आता है उसके नीचे आप एक फ़ोन रख सकते हैं, बाकी कोई मतलब यूटिलिटी वाइज वो स्पेस नहीं मिलता। आप यहाँ पे रख जाओ या फिर यहाँ पे अपने वोटर होल्डर वहाँ पे आप सारी चीज़ें रख सकते हैं। और यहाँ पे स्पेस की बात है तो भाई देखो इतना क्लीन स्पेस मिल रहा है, और इसका अंडर थाई सपोर्ट है वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम द नॉर्मल पंच। आप देखो पंच में तो उतना कुछ खास अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता, बट वो चीज़ आप ईवी में नहीं कह सकते। और यहाँ पे अपने को एडजस्टेबल अपने भाई हेडरेस्ट आएंगे, यहाँ पे बीच में अपने को कोई भाई हेडरेस्ट आता और भी ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है बम्प उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया गया है। तो आप आराम से भाई पीछे तीन लोग हो मेरे जैसे 5 फुट 6 इंच के बंदे हो बैठ सकते आराम से, आपको कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली। और भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आप पूछोगे भाई इसके अंदर रेंज कितनी निकल के आती, तो भाई 315 किलोमीटर की रेंज जो अपने को स्मॉल बैटरी पैक है वहाँ पे मिलेगी, और जो लॉन्ग बैटरी पैक है लॉन्ग रेंज वाली बैटरी पैक है वहाँ पे अपने तो 421 किलोमीटर की वो रेंज मिलेगी। और इसी में वारंटी की बात है, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो वहाँ पे वारंटी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल हो प्ले करती है, तो 8 साल की और 160,000 किलोमीटर तक की आपको भाई बैटरी और मोटर की वारंटी मिलती है। और हम व्हीकल की बात करें तो 3 साल और 125,000 तक की आपको यहाँ पे व्हीकल की वो वारंटी मिलती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि 3 साल और 125,000 किलोमीटर तक आपको भाई टेंशन भी चलाओगे, आपको बैटरी होगी या फिर व्हीकल होगी या मोटर होगी, उस चीज़ में आपको सोचने का कोई भी झंझट ही नहीं है। आप तब तक तो आराम से भाई एकदम रश चलाओगे भाई, जो हो सके वो भाई वारंटी में हो जाएगा वो वाली बात है। एंड स्पेशल थैंक्स टू टाटा प्रोग्रेसिव, उनके सारे कॉन्टैक्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी भाई इंक्वायरी तो आप यहाँ पे आ जाना, आपको काफ़ी अच्छा स्टाफ और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए तो आपको भाई सारी चीज़ हम दिलवा देंगे। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताया, क्योंकि भाई मैं है ना एकदम इन्फॉर्मेशन थोपता नहीं, थोड़ा थोड़ा से धीरे धीरे से, और जो जो इंपॉर्टेंट होता है या फिर आप एज अ कस्टमर चीज़ देखते हैं वो सारी चीज़ें बता दो, मैं बता दो अपने जो फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं वो तो ऑफकोर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और क्या क्या चीज़ें ख़राब है वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियोस में वो शेयर करता ही रहता हूँ। तो ऐसे आपको भाई ऑनेस्ट ओपिनियन सुनने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे आपको भाई नई नई गाड़ियाँ देखने का शौक रहता है तो मेरी चैनल आप कभी भी मिस आउट मत करिएगा।